बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास छठे, सब्जेक्ट साइंस, बाब पहला, पौधों और जानवरों की खलवी तंजीम। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? एक खलवी और कसीर खलवी जानदार, एक घड़े ऐं घण घड़न वारा जानदार। ये एक खलवे यानी यूनिसेलुलर, कसीर खलवी यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि एक खलवी यानी यक खलवी वाले वो जानदार होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक खलिया होता है। ये वो जानदार हैं जो इतने बारीक और छोटे होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंख से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जिस तरह हम खलिये को अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते, बिल्कुल इसी तरह यक खलवी जानदार को हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते, बल्कि खुर्दबीनी की मदद से देख सकते हैं। इन जानदारों को दूसरा नाम ये है जिसको खुर्द जानदार यानी खुर्दबीनी जानदार भी कहा जाता है, क्योंकि इनको खुर्दबीनी की मदद से देखा जा सकता है। अंग्रेजी में इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अब देखते हैं कि यक खलवी जानदार यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कसीर खलवी जानदारों में क्या फ़र्क है। सबसे पहला और अहम फ़र्क यह है कि यक खलवी जानदार सिर्फ एक खलिये से बने होते हैं और कसीर खलवी जानदार यानी बहुत सारे खलिये से बने होते हैं। दूसरा बड़ा फ़र्क यक खलवी जानदार का यह है कि इनको हम खुर्दबीनी की मदद से देख सकते हैं, खुली आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि इनके जिस्म जो है बहुत छोटे होते हैं। कसीर खलवी जानदार बहुत बड़े होते हैं, इनको हम अपनी खुली आंख से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तीसरा बड़ा फ़र्क ये है कि कसीर खलवी जानदार जो होते हैं वो खुश्की पे, ज़मीन पे, पानी में रह सकते हैं, और यक खलवी जानदार जो होते हैं वो ख़ास तौर पर तालाब, समंदर, दरख्तों के जो जड़ियाँ हैं उनमें रहते हैं। मालूम थो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उ बारीक जानदार हैं जेके सिर्फ एक घड़े में ठहल हुंदा हैं, उन्हें अस खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप की मदद से ढी सूँ था। जडे त घण घण वारा जानदार यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उ जानदार हैं जेके एक का वधिक घड़न जा ठहल हुंदा हैं, उन्हें असि पंजे ज़ाहिरी अख खुलल अख से ढी सूँ था। मालूम हुआ कि खुर जानदार में सिर्फ एक खलिया होता है जबकि इंसानों में बहुत सारे खलिये होते हैं। साइंसी तहकी के मुताबिक इंसानों में 37 से 30 ट्रिलियन खलिये मौजूद होते हैं। खुर जानदार आमतौर पर एक खलिये पे मुश्तमिल होते हैं। वो जानदार जो सिर्फ एक खलिये पे मुश्तमिल होता है यक खलवी जानदार कहलाता है। एक घड़े वाला जानदार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक घड़े वाला जानदार घणो करे पानी में मौजूद होता है, यानी उ डंडन, तलान, दरियान, समुंडन में पिण घिमिल हंदन इलाकन जड़ो को वणन के थड़न जमीन या मिट्टी में मौजूद रहन था। एक घड़े वाला जानदार में जिंदा रहने लाइ सभी जरूरी अमलन जड़ो चुरपुर करण, खुराक खाण, साह खाण की सलाहियत पिण मौजूद होंगी है। एक घड़े वाला जानदार तमाम नंढड़ा बारीक होंदा उन्हें सेलन में खास किस्म की तरतीब कान होंगी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यक खलवी जानदार आमतौर पर पानी में मसलन तालाब, झीलों, दरियाओं और समंदरों या नमदार मकामात जैसा कि दरख्त के तनों और मिट्टी में पाए जाते हैं। यक खलवी जानदारों में जिंदा रहने के लिए ज़िंदगी के तमाम लाजमी अफ़ाल अंजाम देने की सलाहियत होती है, जैसा कि हरकत, वसकनात, तग़ज़िया और अमल तनफ़ुस। यक खलवी जानदारों का साइज़ छोटा होता है और उनमें खलियों का मंज़म निज़ाम मौजूद नहीं होता। घण घड़न वारा जानदार मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। घण घड़न वारा जानदार आमतौर पर एक घड़े वारे जानदार का जसामत कदबुत में वा थन था। घण घड़न वारा जानदार होने के हर एक खुलिये या सेल के पंजो खास अलग कम करो पवो है, उन करे घण घड़न वारो जानदार वधिक मुंजम होंद। घण घड़न वारा जानदार जहाँ घड़ा मुख्तलिफ किस्म जहा थन था। ये जानदार पानी में जी हाइड्रा, मच्छी और खुश्की से जी बाज, फरन, नारियल जो बूटो मुंदा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कसीर खलवी जानदार आमतौर पर यक खलवी जानदारों से बड़े होते हैं। कसीर खलवी होने की वजह से उनमें मौजूद हर खलिया मखसूस काम करता है, इसकी वजह से उनके खलिये ज़्यादा मंजम होते हैं। कसीर खलवी जानदारों में मुख्तलिफ अकसाम के खलिये होते हैं। कसीर खलवी जानदार पानी में जैसे हाइड्रा और मछली और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, जैसे चील, फरन, नारियल का पेड़।
खुर्दबीनी जानदारों के नाम, यानी खुर्द जानदारों के नाम, पहला बैक्टीरिया, दूसरा एल्जी, तीसरा एमोबिया, चौथा फंजाई, पांचवा वायरस, छठा पैरामीशियम। ये एमोबिया की असल तस्वीर है जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से निकाली गई है, और ये पैरामीशियम है